पर प्यारियो गुरु महाराज की हजूरी च बैठे हाँ, आओ एक ऐसा वचन सांझा करिए कि हर जीव इस संसार ते अपना तन और मन दोनों लेके आंदा है। ध्यान दे रहा जना, तन और मन दोनों लेके आंदा, पर संसार ते परमात्मा दी माया ऐसी है जो मन दी समझ नहीं आण दिंदी, तन दी समझ हर प्राणी नूं रहिंदी है। बचपन तो लेके जिवें जिवें बच्चा छोटा हुंदा उसनूं अपने पराए मेर तेर दा पता असी आप ही थोड़ा थोड़ा उहनूं दसणा शुरू कर दिंदे आ। पर एक गल दी समझ नहीं आती कि साढ़े जाण दा समां आ जांदा पर सानूं इह नहीं पता लग्गिया कि मेरा मन की चाहुंदा है, कि मेरे मन नूं किस चीज़ दी जरूरत सी। मेरे मन ने चाहिया कि शायद मैं खुश हो जांदा हो जांगा जदों मैं वड्डा होके कुछ पढ़ लिख जावांगा। तो संसार ते सारयां ने पढ़न की कोशिश भी की, पढ़े भी, पर मन फिर पुछदा कि मैं खुश नहीं हाँ। तो फिर जीव सोचता कि शायद मेरे को अजे उन्ने पैसे नहीं है, जदों मेरे को कुछ पैसा माया आ गई तो शायद मेरा मन खुश हो जाएगा। पैसा भी बड़ी लोगों को आया पर मन फिर भी उदास रहा। फिर मन सोचता भी शायद मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे, मैं बच्चों को सेट कर लांगा, फिर शायद मैं अपनी बाजी जीत लांगा। पर सानू पता नहीं लगता कि किस दिन साडा वह समा आ जाता, क्योंकि आदमी हाँ एकदम ही। सुनन विच तां बच्चों नूं भी पता होना, बुजुर्ग माता नूं भी पता होना, बुजुर्ग पिता होना नूं भी पता होना कि असी एकदम दे सिर्फ एकदम दे, पर कदे इदां दी फीलिंग नहीं आई कि ओह दम जे मेरा हुणे ही होया तां मेरी कोई तैयारी है। जिस तरह तन सवेरे काम करने लिए निकलता उसनू पता होंदा कि शाम में अपने घर आ जाना, उत्थे मैनू खाना भी मिलेगा, मैनू रहने वास्ते बिस्तर भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, रहायश भी मिलेगी, पता होंदा मैं पहुंच जाना। पर प्यारियो जिन्नी क संगत आप इत्थे बैठे हाँ अपने आप नूं पुछ के जरा देखो कि अपने आप नूं पता है कि जदों इस तन विचों मेरा मन निकलिया इसके रहने वास्ते कोई जगह होएगी, उसकी असीं पहचान कर ली है, सानूं पता है कि वह घर कहड़ा जिथे निकल के मैं उत्थे चला जावांगा। सोच के देखो किसे कारण सानू परिवार विच कोई झगड़ा हो जावे, सानू कोई किराए मकान विचों कढ देवे ते साडे कोल कोई होर मकान किराए दा भी ना होवे ते साडे कोल कोई पैसा भी ना होवे ते असी किस मकान विच जावांगे, मकान विच जावांगे जां फिर रस्तियां ते रुलदे फिरांगे। समय तां शायद सारयां नूं होएगी पर सोचण दा मौका परमात्मा किसे विरले नूं दिंदा है। इस गल ते कोई बंदा सोच विचार करे उह किसे विरले नूं आंदी है। हुण साडे विच इस चीज़ दी बहुत कमी है कि तन दे रिलेट असी बहुत कुछ जाणदे हां पर मन दे रिलेट सानूं कुछ नहीं पता कि असी क्यों आए हां। प्राणी तू आयो लाहा लै लगा कित खफकड़े तेरी मुकदी चली रह। इट मीन असी तां इन्ने सोहणे काम करदे आं, परिवार बनाउने आं, घर बनाउने आं, रिश्तेदारी निभाउने आं, फिर परमात्मा ने सानूं इदां क्यों कहा कि तू इह किहड़े काम लग्या होया, कि इह काम गुरु जी नूं पसंद नहीं? नहीं प्यारियो ऐसी गल नहीं कि उहनां नूं पसंद नहीं, पसंद तां है, पर उहनां ने कहा कि इह काम तेरे नाल नहीं जाणे, इह तेरे इत्थे ही रह जाणे। नाल जाण वाला तेरा बराबर पैरलर चलना चाहिए सी, तेरा मन का भी घर होंदा ते तेरे तन का भी घर होंदा। तेनू खुशी होंदी कि हुण तां मेरे मन कोले भी घर हैगा, पर प्राणी जिन्ने का आपां बैठे जरा पुछ के देखो तुहाडे मन कोले अगर एक सवास जिहड़ा इक्को ही आ हुण निकल जावे अगे घर हैगा। वह गल वक्री है कि असी समाज के कुछ गुलामी होंगी है साढ़े को, असी धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बैठ के भी सच नहीं बोल सकते, क्योंकि सच बोलेंगे तो समाज सुनने लिए तैयार नहीं होएगा। पर प्यारियो समाज की परवाह उन्होंने होंगी है जिन्होंने निरंकार की परवाह नहीं की। अगर तुहाडे कोले निरंकार की परवाह है तो तुहानू सच बोलने कोई ग्रेज नहीं करना चाहिए। जदों असी पिता जी नूं छड्ड के आए असी तन जांदा देखिया पर उस विचों निकलिया होया मन नहीं देखिया। असी तन नूं बचाउण दी कोशिश कीती
ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਨ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਪਰ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ।